हमारा टॉपिक है कि क्या मोनोपोली की जो पावर है वो अनलिमिटेड हो सकती है, क्या एकाधिकारी शक्ति असीमित होती है, क्या मोनोपोली जितना चाहे चार्ज कस्टमर से ले सकता है। तो इस टॉपिक का हम आंसर समझेंगे। भाई मोनोपोली की जो पावर है, कई बार हम सोचते हैं कि भाई मोनोपोली है, एक ही फर्म है, तो वो अपनी मर्जी से जितना मर्जी चार्ज लेगा और जो कंज्यूमर हैं उनका शोषण करेगा और उनसे अधिक जो है पैसा वसूल करेगा। बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मोनोपोली जो है मन चाहे और जितना चाहे प्राइज नहीं ले सकता। तो वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम कारण समझते हैं कि क्यों मोनोपोली ज़्यादा चार्ज नहीं ले सकता, क्यों मोनोपोली की जो पावर है वो अनलिमिटेड क्यों नहीं है। पहला कारण, अगर मोनोपोली कंज्यूमर्स का शोषण करेगा और ज़्यादा प्राइस पे जो है अपना प्रोडक्ट बेचेगा तो हो सकता है कि सारे बायर्स मिलकर अपना एक एसोसिएशन बना ले और उसके जो प्रोडक्ट है उसका बहिष्कार कर दें, उसका बाइकाट कर दें, कोई उससे ना खरीदे। तो ये डर मोनोपोली को हमेशा रहता है। दूसरा, मोनोपोली चाह कर भी कई बार कोई जो प्रोडक्ट है उसका चार्ज ज़्यादा नहीं ले सकता। अगर उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है तो वो अधिक चार्ज नहीं ले पाएगा। हाँ, अगर उसे लगता है कि जो प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ उसकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आना तो तब वो चार्ज जो है ज़्यादा ले सकता है। तो ये डिपेंड करता है, उसकी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि मोनोपोली ज़्यादा चार्ज लेगा नहीं लेगा, वो डिपेंड करता है कि जिस मार्केट में वो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है वहाँ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तीसरा, मोनोपोली को हमेशा डर लगा रहता है कि अगर उसने ज़्यादा प्राइस लिया तो हो सकता है कि और भी फर्में मार्केट में एंट्री करें और जो प्रोडक्ट मोनोपोली बेच रहा है उसके सब्स्टिट्यूट आने लग जाएं। तो इस डर के कारण भी वो प्राइस को कम रखता है ताकि कोई और जो है अब वो प्रोडक्ट ना बना सके। चौथा, कई बार क्या होता है कि अगर मोनोपोली सपोज करो कि ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो उससे डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा। और एक लॉ है कि अगर आप किसी चीज़ को कम प्रोड्यूस करोगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तो ऐसे में मोनोपोली को ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पांचवा जो है, मोनोपोली को एक डर रहता है कि अगर उसने ज़्यादा प्राइस लिया और कंज्यूमर का शोषण किया तो सरकार इंटरफेयर कर सकती है और सरकार जो है बहुत सारे कानून बना सकती है और जो प्रोडक्ट है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा सकती है। तो ये डर उसे हमेशा सताए रहता है, इसलिए वो जो है अपने एकाधिकारी पावर को अनलिमिटेड यूज़ नहीं करता। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो मोनोपोली है कि उसका जो प्राइज है क्या वो हमेशा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में क्या मोनोपोली का प्राइस हमेशा ज़्यादा रहता है? तो ऐसा नहीं है, कई बार मोनोपोली कम रेट में भी अपना प्रोडक्ट बेचता है, उसके ये कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो मोनोपोली की पावर अनलिमिटेड क्यों नहीं है, उसके ये सब कारण हैं। इन्हें ध्यान से समझिए और तैयार कीजिए।